श्री कृष्ण जन्म स्थान व शाही ईदगाह विवाद मामले पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 10 मई की दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर याचिका डाली गई है, जिस पर आज सुनवाई हुई। मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह का पक्ष सुना गया। मुस्लिम पक्ष ने करीब एक घंटे तक लिमिटेशन एक्ट और आवश्यक दस्तावेजों को लेकर बहस की। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि याचिकाकर्ता ने मामले के पक्ष में ना तो आवश्यक दस्तावेज ही रखे हैं और ना ही उनका मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप और लिमिटेशन एक्ट के तहत सुनने योग्य है। सिविल जज सीनियर डिवीजन में आज सुनवाई थी और जैसा कि हमारी तरफ से जो एप्लीकेशन लगाई गई थी 7 रूल 11 के तहत, ये मुकदमा चलना योग्य नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी बहस हुई है उसमें और आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से बहस शुरू हो गई है। साहिब ईदगाह की तरफ से बहस इसमें आरंभ हो गई है। 10/5 में तारीख लगा दी गई है और तमाम बिंदुओं को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया है कि जिनके तहत इस पत्रावली में जो वादी पक्ष ने अपनी बात कही है उसमें कहीं भी उन्होंने साक्ष्य के रूप में कोई पत्रा अपना डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, किसी मुकदमे की नकल पेश नहीं की, कोई ज़मीन का बैनामा पेश नहीं किया, खसरा खतौनी पेश नहीं की। तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि एक सरसरी तौर पर जो उन्होंने बात डाला था वो चलने योग्य नहीं है। इन्हीं बिंदुओं पर बहस हुई और बहस अभी जारी रहेगी, तो 10/5 उसमें नियत कर दी गई है। वहीं याचिकाकर्ता एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुना है। अगली सुनवाई की तारीख 10 मई की दी गई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के साथ साथ वह भी अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास कहने को कुछ भी नया नहीं है, वह पुरानी बातों को ही दोहरा रहे हैं। देखिए, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में सुनवाई होनी थी और जिसमें विशेष रूप से बहस होनी थी, तो बहस में आज सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी बहस शुरू की है और इसमें मेन रूप से ये लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के बहस करना चाहते थे। तो हमने कहा कि पहले आप बहस कर लीजिए, इसके बाद हम बहस करेंगे। तो आज सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी, उनके अधिवक्ता हैं, उन्होंने बहस की है और उनका कहना है कि ये टाइम बार्ड है या लिमिटेशन एक्ट के तहत इसको मेंटेनेबल नहीं है और बहुत सारी उन्होंने आपत्तियाँ रखी हैं कि हमको कॉपियाँ नहीं दी गई हैं। एक हवाबाजी वैसी सो करने के लिए उन्होंने किया है, उनके पास कोई एविडेंस कोई तथ्य तो उनके पास है नहीं, तो एक तरह से उन्होंने एक प्रोपोगंडा रचने का प्रयास किया है। उनकी सब बातें हमने सुनी हैं, उनकी सब बातें नोट की हैं और इसको अगली डेटों पर हम उनका जवाब भी देंगे। इसका कौन सी सुनवाई की डेट लगी है? इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुना गया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तिथि इसमें 10/5 नियत की गई है, जिसमें कि 10/5 डेट में अभी उनको पार्ट हर्ड किया गया है। अभी उनकी बहस अभी और होनी है, तो अभी शाही ईदगाह की तरफ से भी बहस होनी है, तो उनकी एविडेंसेज पूरी होने के बाद फिर हमारी बहस शुरू होगी इसमें।